सुर्खी विधानसभा को लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जैसी नगर में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री राजपूत ने महाविद्यालय की सौगात भी जैसी नगर को दी है। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जैसी नगर को दी विकास कार्यों की सौगात। 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले स्कूल का किया लोकार्पण। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया महाविद्यालय का शुभारंभ। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जैसी नगर में 1.75 करोड़ की लागत से बने नए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री राजपूत ने नवीन महाविद्यालय की सौगात भी क्षेत्रवासियों को दी है। जैसी नगर क्षेत्र अब तक पिछड़े हुए क्षेत्रों में आता था, लेकिन अब यहाँ इतना विकास हो चुका है कि अब यह विकासशील क्षेत्रों में गिना जाएगा। अभी हमने ये शासकीय स्कूल जिसका उद्घाटन आज हम कर रहे हैं, 2.25 करोड़ की बिल्डिंग का, इसमें कुछ पार्ट लेकर अभी कॉलेज शुरू करवाएंगे। तहसीलदार यहाँ बैठे हैं क्या? तहसीलदार है क्या? हमने आपसे भोपाल से बोला था कि 3-4 जगह देखो जहाँ कॉलेज की है, जगह देख ली क्या? हमने इनसे भोपाल से फोन किया था कलेक्टर के लिए और तहसीलदार को कि आस पास में जगह देखो जहां सरकारी जगह हो, वहां हम 4-5 करोड़ रुपया की, जब 2.25 करोड़ की इतनी लंबी चौड़ी है, इससे दुगनी 3.5-4 करोड़ रुपया की बिल्डिंग नई बनवाएंगे। तो जगह देख लो, इन्होंने देखी है, जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ देखना, आप लोग देखना और फिर हमें बताना। हम चाहते हैं कि कहीं आस पास ही खुले, ज्यादा दूर ना खुले, या तो इस रोड पे हो, या भापेल रोड पे देख लो, या इस रोड पे, ये तिगंटाबाद रोड पे, जहाँ भी आस पास हो। जैसी नगर के हर घर में पानी, स्कूल, महाविद्यालय, शासकीय भवनों की इमारतें यहाँ के विकास की गाथा खुद बयां करती रही है। यहाँ की छात्राएं कॉलेज के शासकीय महाविद्यालय के अभाव में पढ़ नहीं पाती थी, उनके अभिभावक सागर भेजने में डरते थे, बच्चे भी जो हमारे गरीब परिवारों के, वो जाने में उनको दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी है कि जैसी नगर को बहुत बड़ा महाविद्यालय मिला है। महाविद्यालय खुलने के बाद सबको यहाँ सुविधा मिलेगी और यहाँ अच्छे से अच्छी शिक्षा गुणवत्ता मिलेगी। मैंने हाई स्कूल की 2 करोड़ की बिल्डिंग बनवा दी है, यहाँ बच्चियाँ पढ़ेंगी। कॉलेज के लिए भवन के लिए जल्दी स्वीकृत होने वाला है, जगह देख ली है, वो होगी। मेरा कहने का मतलब ये कि जैसी नगर के लिए लोग कहते थे पहले कि जैसी नगर पिछड़ा ब्लाक है, अब जैसी नगर पिछड़ा ब्लाक नहीं है। जैसी नगर विकासशील, आने वाले कुछ दिनों में विकसित जनपद कहलाएगी। यहाँ मैंने स्टेडियम खुलवा दिया है, जनपद की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, यहाँ 5 करोड़ की नल योजना बन रही है, यहाँ किसानों को संगोष्ठी भवन बन रहा है, जो बन रहा है अब जैसी नगर तहसील की बिल्डिंग बन चुकी है। यहाँ कुछ दिन बाद जैसी नगर लोग देखने आएंगे और कहेंगे हाँ, जैसी नगर अब पिछड़ा नहीं, विकसित जनपद हो चुकी है। गोविंद भैया, स्वामित्व पट्टा योजना की बात की, किस तरह ये काम? स्वामित्व पट्टा योजना की शुरुआत हो चुकी है। 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जुड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से इसका शुरुआत करेंगे। राजस्व मंत्र विभाग जो हमारा है, वो पूरा इस विभाग के कार्य के क्रियान्वयन कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में एक एक घर जिसमें अभी हमारा स्वामित्व नहीं है, हम उस पर ना जमानत ले सकते हैं, ना अपने स्वयं के बैंक पर अपने मकान पर लोन ले सकते हैं। ये अब 6 तारीख के बाद सारे लोगों की स्वामित्व योजनाओं में घर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब वो अपने घर पर लोन ले सकेंगे, घर पर अन्य काम कर सकेंगे और उनके परिवार के लोग शान से कह सकते हैं कि हमारा घर है, इसका स्वामित्व ये है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद देते हैं प्रदेश की तरफ से। इस अवसर पर अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता हरनाम साहब सिंह, मनीष गुरु बिलहरा, योगेश, राजू बडोनिया, मुन्ना पांडे समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सागर।